है बस आया था। तो उसके बाद बाइक पे आते हैं, ऐसे अच्छे साहब क्या जानकारी मिली? हमारे पास सुबह 10:10 पर एक इन्फॉर्मेशन आई थी पेट्रोल पंप कि यहाँ पेट्रोल पंप पे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने किसी को गोली मारी जी। तो मौका पर मैं पहुँचा था, उनको हॉस्पिटल लेके आए, जो डॉक्टर ने उसको डेड घोषित किया था। क्या नाम पता लगा इनका? जतिन नाम कथुरिया। तो क्या प्रयास हो रहे हैं, किस तरह से करता है? किसका नाम? अब उसके परिजन आए अभी, तो इसके डिवोर्स हुआ था, इसकी वैशाली है इसकी पत्नी उसके साथ, तो उसका किसी राहुल नाम के व्यक्ति से अफेयर थे, तो उन पे ये शक जाहिर कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किस तरह की पुलिस की टीमें वर्क कर रही हैं, क्योंकि दिन दहाड़े हत्या हुई है, बाइक पर ये लोग इसमें से यही वर्क कर रही है, 2 टीमें बनाई गई हैं, दोनों अपने काम कर रही हैं। उम्मीद की जाएगी जल्दी गिरफ्तार होंगे, जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे जी। सीसीटीवी भी इसमें सामने, सीसीटीवी फुटेज आई हुई है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं आ रही मोटरसाइकिल का नंबर, तो उसमें दिखाई दे रहा है मोटरसाइकिल रोड पे खड़े करके 2 लड़के उतर के आए हैं, जो फेस कवर कर रखा था उन्होंने। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं और भी फुटेज निकालने के लिए, रास्ते में उन घर से निकला था कि कहीं रेकी की हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। पत्नी और किस पर शक, किस पर बताया गया? ये एक राहुल है, गीतांजलि सैलून है 21C सेक्टर में, तो वहाँ वो जॉब करती थी, उसका अफेयर उसके साथ था, और उसने इनको जनवरी में डिवोर्स दे के उसके साथ रह रही है जी। वो प्रयास कर रही है, बीच बीच में पता चला इनके परिजनों से, बार बार इनके पास कॉल कर रही है, कोई फोटो भेज रही है, तो उन पे शक जाहिर किया है इसने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने? नहीं, अभी कर रहे हैं, बयान दर्ज करें। अभी पेट्रोल पंप पर हमला हुआ, क्या उनको पता नहीं था कि पुलिस आसानी से पकड़ सकती है उनको, तो इस तरह से कदम क्यों उठाया? नहीं, कहीं ना कहीं वो पीछे लगे हुए थे, उन्हें मौका देख रहे थे, वो सीएनजी डलवाने के लिए वहाँ पेट्रोल पंप पे आए, तो उन्होंने नीचे उतरा तो वहाँ पे उतर के पीछा कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे थे। हाँ जी। गोली कितनी चली थी इसमें? 3 फायर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौरभ है। मरने वाले जो है कौन है आपके, और आज हुआ क्या, इन्फॉर्मेशन क्या मिली? जी, मेरा साला है जतिन, आज सुबह 10:30 के करीब मेरे ससुर जी का फ़ोन आया मेरे पास कि उनके पास किसी पुलिस वाले का फ़ोन गया कि जतिन को किसी ने गोली मार दी और उनको एशियन हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो मेरे को नंबर भी दिया जिस पुलिस का फ़ोन आया था, संदीप कुमार जी का, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा एशियन एमरजेंसी में आप यहाँ आ जाइए, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा मतलब कि क्या हुआ, उम्मीद तो ये थी कि लगी है शायद घायल हो गए, तो उन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई उसकी। क्या वजह मानते हैं, क्या बताया पुलिस वालों ने, कैसे हुई है, क्या कौन थे? कोई बाइक पे आए थे 2 लोग, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और गोली मार दी उसको, एक सिर के पीछे लगी आई थिंक। और किसी पे कोई शक है क्या, पुलिस को आपने क्या बताया? कि मैंने बताया कि उसका डिवोर्स हुआ था जनवरी में और अफेयर था उसके लड़की का बॉस के साथ, जो इनकी पहली पत्नी थी जो। हाँ, तो उम्मीद है, मतलब उम्मीद क्या है, मतलब शक है कि उन्होंने किया हो। तो कब हुई थी शादी इनकी? 16 में हुई थी, 2016 में। जी, 2016 में शादी हुई थी, कहाँ की थी लड़की? एक कहाँ लड़की? हिसार की थी और लड़का रोहतक का। ओके, तो फिर 2 सालों में तलाक की नौबत आई, कब हुआ है तलाक, कब हुआ? तलाक हुआ था जनवरी में, दिसंबर 18 में पता चला था अफेयर का, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया अब तो साथ नहीं रह पाएंगे, तो म्यूचुअली डिवोर्स ले लिया था जनवरी में जी। तो उसके बाद भी वो लड़की फ़ोन करती थी जतिन को, वो उठाता नहीं था जी। और 3-4 महीने पहले लड़के ने फ़ोटोज़ भी भेजी थी जी। किस चीज़ के पहले? कि भाई हम साथ हैं और ये सब। और उसके बाद तो मतलब जतिन ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि कोई धमकी देता था उसको या कोई परेशान करता था या कुछ है, बस ये कहता था कि फ़ोन आता है मैं उठाता नहीं हूँ। फ़ोटो किसका भेजा था, किसने भेजा था? उस लड़के ने, जो इसका बॉस था, इसकी भी पत्नी का जो बॉस था। हाँ, बॉस था कि हम घूमने गए थे दुबई वुबई।